बचे खुचे लोगों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जब ये कवि सम्मेलन प्रारंभ किया था, मुख्यमंत्री जी भाषण कर रहे थे, तब बहुत सारे लोग हुआ करते थे, अब नहीं रहे। किस गति को प्राप्त हो गए मैं नहीं कह सकता। कवियों में भी छटनी हो गई। सत्यनारायण के आने से पहले ही कलावती लीलावती गायब हो गई। लेकिन ये जो मेरी मान्यता है कि ये जो लोग बचे हैं, ये वो लोग हैं, हमारी माता बहनें जो बैठी हुई हैं, ये सूपड़ा फटकती है तो सूपड़े की अगली पंक्ति पर आकर के जो झटक फटक दिया जाता है वो कचरा बगदा होता है। जो पीछे बचता है वही माल है। और ये माल जो बचा है मेरे पाती में आया है, सत्य की पाती में आया। इस माल का मैं अधिकारी हूं। और मेरी तो ये मान्यता है कि जब ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ था तो कविता के जितने भी शौकीन लोग थे वो इतने ही थे जो इस समय यहाँ पर मौजूद है, बाकी सब दर्शक थे। श्रोता अगर थे तो वो इसी यही लोग श्रोता थे जो अभी यहाँ पर मौजूद है। ये सारे के सारे लोग अपनी भावनाओं को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए, और हमारे पास क्या है, है? वो एक आए तिवारी तो वो चटनी चूरन और वो छत पे जाके सो गए। कवि सम्मेलन पानी बाबा तक आ गया, शानदार। पानी बाबा तक कवि सम्मेलन आ गया और बेबी निकल ली। बेबी निकल ली। कितने तेवर दिखे, ये कवि सम्मेलन क्या है, बैंड बाजे ही है। सब बड़े ये कॉन्फिडेंस बैठा है ना। है, ये क्या है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस मतलब क्या, वो बड़ा भोंगा। बैंड में होता है ना एक बड़ा भोंगा, है उसको एक आदमी पहन के चलता है। उसको संगीत वंगीत से क्या लेना देना, उसे तो भजन उठाने के पैसे मिल रहे। और संगीतकार तो वही होता है जो पिपाड़ी बजाता है। देखो ना आप बैंड में कैसे कैसे रोक देते हैं, है? एक के हाथ में वो झांझ रहती है, एक के हाथ में वो रहते हैं घुंझुने हिला रहा है, उसके ढील में भेरू आ रहा है। एक के जगह हाथ में वो रहता है तीन जगह से मुड़ा हुआ टुकड़ा, तो कोई सा भी गाना बजे वो टिकाता ही रहता है। कभी सम्मेलन में भी सब इसी तरीके के लोग हैं। असली काम तो किसको आता, वो पिपाड़ी बाज को, जो पिपाड़ी पे गीत गाता है कि प्यार किया तो डरना क्या, तो बड़ा भोंगा बोलता भू। और वो एक ढोल रहता है किधर से फेरता है किधर से फेरता है, वो बोलता ढम। बाकी को भैरू भवानी आ ही रहे हैं। अब दो गीतकार निपट गए और उसके बाद मैं संगीतकार हूँ, तो मैं पिपाड़ी मास्टर ही, पूरा बैंड ही सजा के लाया, रामेश्वर से एंड कंपनी बैंड, और वो भी वर्ष प्रतिपदा पे। कैसा बजा, ताली बजाओ। क्या है ये बैंड कैसा बजा? अरे ये माँ सरस्वती के पूत शब्द स्वर दूत अखिल सृष्टि को नचाते हैं। माँ सरस्वती के पूत शब्द स्वर दूत अखिल सृष्टि को नचाते हैं। वीणा पाणी दुलार करें शिव मंगल गाते। शिव मंगल गा गए ना तब रामेश्वर यहां बैठे हुए।
हैं, शिवराज आए, मंगल गा गए, रामेश्वर बैठा गए, अब राम रामेश्वरम को अर्चना दी जा रही है, हैं? कितना संस्कार हुआ, क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या होना बाकी है। हाँ, शब्द है ना हमारे पास, कोई इतनी देर रात तक बैठे हुए, आप सब लोग बैठे हुए, हमारे पास तो कोई तबला पेटी है, सारंगी है, केवल शब्द है। केवल शब्द है, कविता है, कविता का संस्कार जन्म से मरण तक का संस्कार होता है। छोरा पैदा हुए, थाली बजाई, गीत गाया, नंद घर लाला भये, हो गए नंद के घर लाला, नाम रखा तो गाना गाया, ब्याह करा तो गाना गाया, जनेऊ करी तो गाना गाया, सिर मुंडाया तो गाना गाया, हाथ में लड़की की हल्दी लगी तो गाना गाया, विवाह हुआ तो गाना गाया, और 100 साल के दादा बा मर गए तब भी गाना गाया कि हमको उड़ा दो चदरिया चलती बिरिया, प्राण राम जब निकसन लागे उलट गई दो नयन पुतरिया, भीतर से फिर बाहर लाए छूट गई दो महल अटरिया, चार जना मिल खाट उठाई रोवत ले चले डगर डगरिया, कहत कबीर सुनो भई साधो साथ जली वो सूखी लकरिया, हमको उड़ा दो चदरिया चलती मेरी चलती मेरी। जीवन का क्रम है, साहित्य का क्रम है। रामेश्वर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने क्या ताली बजाई कि बोले जो करोड़ों से खेलना है तो नेतागिरी करो, तो भी निपट गया। अरे काम बड़ा नेताई का, नाम बड़ा नेताई का, जिसने पिया वो इतराया, जाम बड़ा नेताई का, क्या क्या करे बयान, जगत से न्यारी है ये नेताई, मजनू को लेला से ज्यादा प्यारी है ये नेताई, नेताई गंगा माता, नेताई ही सुखदाता, जो इसमें स्नान करे वो जीवित स्वर्ग सुख पाता, काले को सफेद हरदम करती रहती ये नेताई, नहीं किसी की हुई आज तक ऐसी है ये हर जाई, प्राण किसी के हर लेती, जेब किसी की भर देती, जो इसने मन में चाहा वो पल दो पल में कर लेती, इस नेताई के सौदे, इस नेताई के सौदे, इस नेताई के सौदे ऊंची बोली में होते हैं, इस सौदेबाजी के कारण ही तो हम सब रोते हैं, इस सौदेबाजी के कारण ही तो हम सब रोते हैं। सुनते थे जिसने जैसा बोया उसने वैसा काटा, पर हमने जो बोया था उस खेती में आया घाटा, पर हमने जो बोया था उस खेती में आया घाटा। क्या है ये मक्कारी की बड़ी बहन, भ्रष्टाचारी की नातन, बेईमानी की सासू और स्वार्थ की सग्गी दुल्हन, रिश्वत इसकी छोरी है, काला बाजारी गोरी है, चुस्त पायजामा कुर्ता जैकेट टोपी भी धोरी है, बस यही वेश है माई का करती काम, बस यही वेश है माई का, क्या बात, करती काम सफाई का, गला घोटती भाई का, काम बड़ा नेताई का, नाम बड़ा नेताई का, जिसने पिया वो इतराया, जाम बड़ा नेताई का। अरे क्या क्या करें बयान, जगत से क्या क्या करें, कहां और कहां तक कहें, बाप मातक को मारी है गोली, गांधी जी, आजकल के छोरे से पूछो कि गांधी जी कौन थे, तो कक्षा के सभी छात्र मौन थे, राम रतन खांसता खकारता हुआ बोला, कमी नहीं रत्ती माशा तोला, आंखों को मटकाता बोल उठा, गांधी जी का परिचय खोल उठा, बोला सर मिस्टर गांधी बड़े हकीम थे, वीरूमल प्रेमी से भीम थे, जगत में महात्मा कहते थे, नए नए धर्म वो चलाते थे, ईसा को उन्होंने पढ़ाया था, मुसलमान धर्म को चलाया था, लिखी है उन्होंने भगवद गीता, मेघदूत भी उनका मन चीता, वैसे वो ज्ञानवान प्राणी थे, आयुर्वेद रतन दवा दानी थे, पर सर किसी को गलत दवाई देने पर
पर अथवा मरीज के न रहने पर सर नत्थू ने उन्हें मार दी गोली। क्या है? नौजवानों की बात कर रहे थे हैं? जो मजा पहली बार में है ना, वो बार बार में है ही नहीं। नहीं, मेरे कोई आपत्ति नहीं सुनाने में, लेकिन जो आनंद अभी ले लिया ले लिया, अब आपका मन कैसे भरता है ये तो घर वाले ही जानते होंगे। अब आपका मन भरने थोड़ी आया हूं मैं, अब देखो ये कवि सब यहाँ पे थे जितने भी थे, ताली बजाओ ताली बजाओ। मैंने आपसे अभी तक कहा था क्या कि ताली बजाओ? मेरा ये कहना है कि माल खरा होगा तो खुद ही बच जाएगी, उसमें कहने की क्या जरूरत है, तो ताली बजाओ ताली बजाओ। इस देश के लोगों को ताली बजाने वाला बना रहा है क्या है? ये देश तलवार चलाने वालों का देश है, अपनी वीरता के माध्यम से दिखाने। हमारे पुलिसकर्मी कितनी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। एक कवि सम्मेलन में मैं गया रामेश्वर जी, तो वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है, जैसे आपके अपने सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता एक सोफा लगाया, उस पर गलीचा बिछाया। मैंने क्या करते हैं यार, कविता में व्यवधान होता, बोले सत्तन जी दो मिनट रुक जाओ, आई जी साहब आ रहे हैं। हमने क्यों, अच्छा आईजी साहब पुलिस के बड़े ऊंचे अधिकारी होते हैं, हैं आईजी साहब आ रहे हैं। हमने क्या, हमारे पास तो शब्द है, हमने क्या, देख यार आ रहे होंगे आईजी साहब, बैठ जाएंगे हैं, हम भी किसी आईजी से कम नहीं। वो तो गले पड़ गया, बोले तुम साधारण से कवि अपने आप को आईजी रैंक का ऑफिसर बताते हो हैं, मालूम होता है तुम्हें, मालूम भी है कौन होता है आईजी? मैंने हाँ होता होगा आईजी, हम डबल आईजी। डबल आई, बोले तुम डबल आईजी? हमने हाँ डबल आईजी। बोले कैसे? हमने कहा जब हम अपने घर में होते हैं, हमें किसी वस्तु की ज़रूरत होती है और हम अपनी पत्नी को आवाज़ दे के कहते हैं कि अजी जरा सुनना, तो वो बदले में हमसे कहती है कि आईजी आईजी। ये बैठा हमारा, हाँ इसके घर गया, इसके घर गया तो बोले आओ गुरु आओ। मैंने आओ क्या, आप तो आ ही गए। नहीं, बोले हमने दो पक्षी पाले हैं। तो हमने क्या ठीक किया, बोले उसमें एक नर और एक मादा है। हमने कहा अच्छा तूने पक्षियों की गृहस्थी बनाई, शिवराज मनुष्यों की बना रहा है, रामेश्वर सब लोगों के ब्याह करा रहा है, तो पक्षियों के करा। बोले नहीं, पर समझ नहीं आ रहा है गुरु कि उसमें कौन नरे और कौन मादा है। तो मैंने फिर बोले आप देख के बताओ। मैंने क्या, तू हमको बहेलिया समझ रहा है क्या है? अरे हाँ, हमें बहेलिया समझ रहा है कि इसको देख के बताएं कि कौन नर है और कौन मादा है। बोले लोग तुमको गुरु कहते हैं। तो मैंने गुरु कहते नहीं, हम हैं भी। तो बोले बताओ इसमें कौन नर और कौन मादा है। हमने क्या, दानेला। दाने लाया, पिंजरा खोला, पक्षी निकले, दाने चुगने लगे। हमने कहा देख अब हम बताते हैं तुझे। तो बोले हाँ बता। मैंने देख बेटा, वो जो चुग रही है वो जो चुग रही है वो है मादा,
और जो चुग रहा है वो है नर। बोले हाँ गुरु जी। मैंने कहा अब तू पहचान कर कि कौन चुग रही है और कौन चुग रहा है। भाषा के पास रामेश्वर जी हमारे एक मित्र थे, अध्यापक थे, उनकी शादी में हम गए, 5 महीने व्यतीत हो गए शादी के बाद, वो हमें मिले ही नहीं। एक दिन मिला तो बड़े अस्पताल से निकल रहा, अरे मैंने क्या क्यों रे शर्मा जी, ब्याह के बाद आज दिखा और वो भी अस्पताल से निकल रहा। और बोले सत्तन गुरु में तो बहुत बुरा फंस गया। मैंने क्या हो गया, और बोले पत्नी को माता निकली। मैंने छोटी की बड़ी, बोले कल तक तो डॉक्टर छोटी कह रहा था, आज कह रहा कि बड़ी। मैंने कहा यार शर्मा जी माफ करना भाई, मैं सबकी मदद करता हूँ पर इस मामले में तेरी मदद नहीं कर सकता, तू लाया पत्नी समझ के निकल गई माता। अब आप बताओ क्या बात है। ये हमारे कांग्रेसी मित्र हैं, उनके पिताजी 2 दिन पहले हमें मिले, उसके मित्र के बच्चों को कापी किताब दिला रहे। एक दिन अखबार में सवेरे सवेरे पढ़ा कि उनके पिताजी का देहांत हो गया। हमने उनको टेलीफोन लगाया, हमने कहा यार यादव साहब आपके पिताजी का देहांत हो गया। बोले हाँ सत्यन जी, मैंने तो भले चंगे थे यार, अभी 2 दिन पहले तुम्हारे बच्चों को कापी किताबें दिला रहे थे। हाँ बोले कोई खास बात नहीं। मैंने कैसे हो गया, क्या हो गया? बोले दूध पीते पीते मर गए। मैंने यार तेरा बाप तो रिकॉर्ड कायम कर गया। अरे लोग जहर पी के मरते, दूध पी के मरते, रस्सी का फंदा लगा के मरते, रेल के नीचे कट के मरते हैं, तेरा बाप दूध पी के ही मर गया है। बोले नहीं बात ऐसी नहीं है, वो डायरेक्ट ही पी रहे थे। बोले डायरेक्ट कैसे पी रहे थे? बोले भैंस के मुंह में ही, थन में ही मुंह लगा के पी रहे थे। तो मैं फिर बोले फिर क्या सत्तन जी, भैंस बैठ गई। ताली बजाओ एक बार जोरदार गुरुदेव का। कमाल है। वो भैंस कांग्रेस की थी जो बैठ गई। आप कहां से कविता को लेकर के अपनी यात्रा करें? राजकुमार बोले ये चाय वाला, जब मोदी का नाम आया हर नारे लगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, तो कांग्रेसी सन्ना गए। हाँ हर हर मोदी घर घर मोदी का सुनकर के नारा सन्ना गया है कांग्रेसी बेचारा। बोला ये चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा? बोला ये चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा? ये रास्ते का पत्थर हिमालय बन के तनेगा? ये रास्ते का पत्थर हिमालय बनकर के चले तनेगा? हमने कहा नहीं हुजूर, ये तो अपमान उठाने को हुआ है पैदा। हमने कहा हुजूर ये तो अपमान उठाने को हुआ है पैदा, और तुम ले चुके सम्मान की ठेकेदारी। अरे अनगिनत दाग खा के भी सफेद हो अब तक, आड़ में तुमने सदा अछूती बाजी मारी। अरे ये तो अपमान उठाने को हुआ है पैदा, और तुम ले चुके सम्मान की ठेकेदारी। अनगिनत दाग खा के भी सफेद हो अब तक, आड़ में तुमने सदा अछूती बाजी मारी। अरे तुमने निर्माण दुल्हनिया के गहने बेच दिए, माँ का श्रृंगार नोच, खुद का तन सजाया है। तुमने हर बच्चे से माता का दूध छीना है, तुमने हर भूखे का निवाला छीन खाया है। नैन सुख जी तुम्हें किस नाम से पुकारे हम,
आप तो स्वर्ग से आए खुदा के बंदे हैं, पर इस चाय वाले का कुछ बयान है यूं, इस चाय वाले का कुछ बयान है यूं कि यहां मशाल ची सब अंधे हैं। वाह, कलमाली का मुंह काला है, राजा का पीला है। कलमाली का मुंह काला है, ए राजा का पीला है। माया देवी की झोली का माल हो गया गीला है। भवरी देवी के चक्कर में राजस्थान रंगीला है। सिद्ध हो गया है उन नेताओं का कैरेक्टर। बोलो भारत माता की। ऐसे जय बुलाई जाती है। ज्यादा जोर से बोल दो जय। वीर रस में क्या होता भैया? जोर से बोलो, वीर रस हो जाता।